और यहाँ केक को अनबॉक्सिंग किया जा रहा है। फाइनली हम पहुँच गए हैं देवपानी ब्रिज के नीचे और यहाँ का एनवायरनमेंट चेक कर सकते हैं। अरे भाई साहब, वेलकम बैक टू माय चैनल, दिस इज अबाउट प्रीतम, वाचिंग माय यूट्यूब चैनल एक्सप्लोर विद प्रीतम। होप सो लोग जहां भी होंगे ताबड़तोड़ मस्ती करेंगे, बहुत ज्यादा खुश होंगे। फिलहाल यहां का वेदर अपडेट देता हूं, बारिश ही बारिश, वापस फिर से बारिश शुरू हो गया, इसलिए मैं डांबो का नाम दे रहा हूं चेरापूंजी। ब्लॉग का शुरुआत में आपने देखा होगा। फिलहाल आज का सीन ऐसा है कि सुबह सुबह आज 3 घंटे मैंने क्लास कराया, आज है संडे, आज से मेरा कंपार्टमेंट बेच अबाउट खत्म हो गया, यही बेच लास्ट था और 2 बच्चा मेरा रेगुलर पढ़ता है और अभी जस्ट बेच को खत्म करके घर आया हूँ। एंड सीन आज ऐसा है कि मुझे आज जाना है रोइंग में, बिकॉज हमारे रोइंग में एक यूट्यूबर कम प्रोफेसर कम रैपर राजे जी का 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट हो गया। और ये जो 1000 सब्सक्राइबर जब कंप्लीट हो जाए, जो हैप्पीनेस मिलता है ना, मैं जानता हूँ, मैंने भी अचीव किया था। तो उन्होंने जेम्स को भी बुलाया था, जेम्स ऑलरेडी रोइंग आ चुका है, तो बोला कि आज छोटा सा सेलिब्रेशन करेंगे, तो आप साथ में रहोगे तो बहुत ज़्यादा खुशी होगा। तो मैं वही रेनकोट अरेंज करके वही गए सभी, मैं रेनकोट अरेंज करके स्कूटी लेके जाऊँगा, क्योंकि बारिश दे रहे तो बारिश से बचना तो पड़ेगा, उपाय नहीं है। एंड बहुत ज़्यादा कमेंट आए, मुझे अच्छा लगा, बहुत ज़्यादा कमेंट आए, लोगों ने कहा कि भाई कुछ भी सिचुएशन हो जाए पैंथर मत बेचना। और मैं हर दिन का व्लॉग्स इसलिए देता हूँ ताकि आपको हर चीज़ें मेरा डेली लाइफ का हर चीज़ बता पाऊँ। और सब्सक्राइबर्स बोलता भी कि आपसे सुख का दिन को मत बताइए, अपना दुख का दिन को हम लोग का साथ शेयर कीजिए, क्योंकि हम लोग ने कविता में पढ़ा था कि अपने दुख को लोगों को मत बताइए, पर ये मेरा एक फैमिली है जिसको मैं शेयर करने से मुझे मोटिवेशन मिलता है, सपोर्ट मिलता है। हेटर्स तो मिलेगा ही, पर मैक्सिमम मुझे मोटिवेट करता है कि चलो कोई नहीं है, आप करते जाओ, चलते जाएगा ना। तो बहुत लोगों ने मैसेज किया कि कुछ भी हो जाए अपना पैंथर को मत बचो। एंड रियली मेरे साथ भी एक बहुत बड़ा इमोशन है, मेरा साथ और आपका सबका साथ, आप सबका पैंथर है ना, तो सबका साथ एक इमोशन जुड़ा हुआ है। तो मैं कुछ भी करूँगा, जो भी हो जाएगा वो करूंगा, पर अपना पैंथर को सेल नहीं करूंगा। फिलहाल तो मैं उसको मॉडिफाई नहीं कर पाऊंगा, फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में हूँ मैं, तो सारा चीज़ें मैं सॉर्ट आउट कर रहा हूँ धीरे धीरे। लेकिन हाँ, सब कुछ बेच देने से भी मेरा ये कैमरा, मेरा बाइक और मेरा सिस्टम वो मैं नहीं बेचूंगा, क्योंकि पैंथर का साथ ना एक अलग इमोशन है, बाकी तो बाइक का साथ मेरे लिए इमोशन नहीं कनेक्ट नहीं था, इसका साथ अलग इमोशन है, क्योंकि भाई ये मुझे बचा है, मैं फील करता हूँ चीज़ को ना, ये नॉन लिविंग थिंग है मानता हूँ, पर मैं फील करता हूँ, मैं ये मेरा साथ, लोगों ने भी कहा है कि इसका अलग आपका साथ कनेक्शन है ना, इसको लास्ट दम तक रखो, चाहे कुछ भी बेचना पड़ जाए, पर इसको कभी मत हटाना लाइफ से। तो मैंने भी डिसाइड किया, अभी कल हमको जाना है पैंथर का सारा चीज़ें करने के लिए, क्या क्या उसका लगेगा, एसेसरीज, बहुत सारे एसेसरीज टूट गया, ऐसे जो मिल नहीं रहा, ऊपर से दिखाई नहीं देता, अंदर से इंटरनल ब्रेकेज बहुत सारा आया, तो सबको फाइनलाइज करना है। बाकी होठों में स्माइल रखना जरूरी है गाइस, सुबह का शुरुआत अगर आप स्माइल से करोगे तो बहुत ज़्यादा अच्छा होगा। दुख तो लाइफ में है, आज आपका बुरा है कल आपका अच्छा होगा, आज मेरा बहुत बुरा समय चल रहा है कल अच्छा होगा, ये सब बातें मैं व्लॉग में बोलता हूँ आपका सिंपैथी गेन करने के लिए। आप देखा होगा मैं मेडिकल में प्रॉब्लम में पड़ा, मैं किसी से पैसा भीख नहीं मांगा, मेरे पापा ने जितना बस पड़ा किया, मेरा फैमिली ने जितना बस पड़ा किया, फैमिली मेरा यही है, पापा मम्मी है और बाकी मैं मानता भी नहीं, छोटा से मेरा यही मेरा साथ बैकअप रहा और आप लोग हों, तो जितना मैंने कभी मेरा जितना बस से मैंने कैमरा मेरा सब कुछ सेल कर दिया था कि मैं मेडिकल एक्सपेंसेस और बाकी मेरा जो EMIs वगैरह को भरने के लिए, पर मैंने भीख नहीं मांगा, बिकॉज जब तक मेरा पास दम है तब तक मैं नहीं मांग सकता, क्योंकि इसको लेके भी लोग बाद में कह देंगे। हम कल एक ब्लॉगर का वीडियो देख रहा था, गरीब बॉय, तो लोग बोल भी देते बाद में, भाई तुम तो पैसा मांगोगे अभी ये करोगे ना, तो मैंने इसलिए आज तक इतना हद तक नहीं पहुँचा कि मैं लोगों से मांगूँ ना। हाँ, कभी भगवान ऐसा ना करे, कभी ऐसा सिचुएशन आ जाए तब हमको हेल्प मांगनी भी पड़ सकता है, माइट भी, पता नहीं, पर इस सिचुएशन में हैंडल करने की कोशिश करूँ, मेरा 2 हाथ 2 पैर है, अगर मैं कर पा रहा हूँ तो कर लूँगा, राइट। तो वही है, आज खराब है कल अच्छा दिन होगा, आज बुरा है अपना कर्म करते करते जा रहा हूँ। लोग बोले डेली वॉश मत दो, तेरे से एडजस्ट नहीं हो रहा, ये नहीं हो रहा, मैं बोला मैं देते रहूँगा, कब सक्सेस, मैं 500 वीडियो भी दे चुका हूँ गैस अभी तक, जब सक्सेस होना होगा, सक्सेस का कोई डेफिनेशन नहीं है आप जानते हो, और कोई टाइम बाउंडेशन नहीं कि मैं इतना दिन में सक्सेस होऊंगा ना, कभी भी हो सकता हूँ, कभी भी मेरी चीज़ें वायरल जा सकता है, तो मैं इसलिए सोचा हूँ कि नहीं अपना काम कर जाता हूँ। और होना चाहिए लाइफ में अप एंड डाउन जो होना चाहिए, उसमें अपना गलतियाँ भी समझ में आता है, और सबसे बड़ा चीज़ है कि जब आप वॉश टाइम में रहता हो ना, आप लोग पहचानते हो। इन 1.5 सालों में मैं लोगों को पहचाना, कौन मुझे हाथ में पकड़ के उठाना चाहता है, कौन मेरे कंधे पे पैर रखे खुद आगे बढ़ना चाहता है, मुझे नीचे गिराना चाहता है, ये सब लोगों को मैं पहचान लिया। और सेकंड बात क्या है, जब आपका लाइफ में बैड डेज आएगा तभी आपको गुड डेज का अहमियत पता चलेगा, राइट।
जब दिन ही सारा दिन होते रहेगा, रात ही नहीं होगा तो मतलब ही नहीं, दिन का अहमियत आपको पता नहीं चलेगा। तो दिन और रात दोनों है बोल के आपको दोनों चीज़ का अहमियत पता है। तो लाइफ में ऐसा आपके साथ भी होगा होगा, हार नहीं मानने का भाई, कुछ भी हो जाए हार नहीं मानने का, अपना काम करते रहने का। तो बहुत सारे बात कर लिए आप लोगों से, आप करते हैं फटाफट ब्रेकफास्ट। सुबह का ब्रेकफास्ट आप चेक कर सकते हो, यहाँ पे मम्मी ने सुबह से चाउमीन बना दिया और यहाँ पे बना दिया मैंगो एंड कॉल। तो सबसे पहले मम्मी को थैंक्स कर देते हैं। अभी मम्मी यहाँ पे अपना तैयारी कर रहे हैं। थैंक यू मम्मी। ये क्या कर रहे हैं आप? आपके लिए? पापा के लिए। ओ, पापा के लिए। देखो पापा का मॉर्निंग ब्रेकफास्ट, यहाँ पे आम है, अंगूर है, अंगूर को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? ग्रेप्स। जब भी मैं बोलता हूँ मम्मी बोलते हैं ग्रेप्स। यहाँ पे कुकुम्बर, एप्पल एंड पोमेग्रेनेट। पोमेग्रेनेट लाल क्यों नहीं है? ऐसे ही है ना। तो और मम्मी का तो खा गया, आपका वाला खा गया? खा दिया आपका वाला? ओ मम्मी का वाला आज ज्यादा नहीं है। मम्मी का ये देखिए, मम्मी है फोटोसिंथेसिस। तो ये भिंडी और ये कुकुम्बर, और ये मम्मी डायबिटीज पेशेंट है ना, तो ये खाते। और देखो यहाँ दो टीना एकदम प्योर हमने सरसों का तेल कुटवा के लाए हैं, एकदम प्योर है ये। तो अभी विदाउट वेस्टिंग योर टाइम फटाफट खा ले रहे, फिर वो निकलना भी, कहीं से रेनकोट अरेंज करना पड़ेगा क्योंकि जो मेरे पास रेनकोट था क्वेचा का वो फट चुका था एक्सीडेंट में, और फटा हुआ चीज एक्सीडेंट का चीज हम पहनते नहीं है। तो फटाफट से खा लेते, फिर मिलते हैं गाइस। बारिश थोड़ा भी यहाँ पे कमती नहीं हो रहा, आप देखो और मौसम खराब कर रहे हैं। अब मुझे जाना है रोइंग, ऐसा तो कार ड्राइव करने आते हैं। और यहाँ देखो मैं रेनकोट निकाला था, सोचा स्कूटी लेके जाऊंगा, ये रेनकोट तो खत्म है। ये जो दागी देख रहे हो ना मेरे खून का है, ब्लड का दागी एक्सीडेंट के समय, और ये चारों तरफ से फट चुका है। तो मैं इसको नहीं पहनूंगा, इसको फेंक देंगे क्योंकि एक्सीडेंट का चीज़ें पहनना नहीं चाहिए बोलते हैं। और जितना ब्लड है मेरा ही बॉडी का है, देख के अजीब लग रहा है, देखो पूरा इसे फेंक ही देंगे। पर ये रेनकोट मेरा बहुत अच्छा था, मतलब मैं क्वेचा से खरीदा था, 700 और 1000 से खरीदा था, बहुत ही अच्छा रेनकोट है। ये होने से तो अभी निकल जाना था, पर ऐसे जाऊँगा थोड़ा भीग जाऊँगा। देखता अभी गाड़ी लेके जाता हूँ मैका तक। फिलहाल गाइस बारिश पड़ते जा रहा, तो अभी उपाय नहीं है, गाड़ी लेके जाना पड़ेगा पापा से। थोड़ा पापा का भी एक मेडिसिन आ रहा है, तो पापा ने बोला जाओ उसको लेके आओ और अपन चलते हैं रोइंग। तो राजेश सर का फ़ोन आ रहा है, अपन गाड़ी निकाल लेते हैं। मैंने राजेश सर से बात कर लिया, मैं मेका तक जाऊँगा वहाँ पर, इनकेस मुझे अगर वहाँ से टाउन में थोड़ा डर लगे तो उनको बुला लूँगा और उनको लेके जाऊँगा। फिलहाल गाड़ी स्टार्ट कर लिया मैंने, कॉल स्टार्ट कर लिया, बहुत दिन से स्टार्ट नहीं हुआ, तो बहुत अजीब लगता है यहाँ खाली है, मेरा पेंथर भी नहीं है। और पापा ने 2000 रुपीज़ दिया, बोला थोड़ा घर का सामान भी लेके आना। और मतलब क्या बोलूँ, बहुत अजीब लगता है। एक समय था मतलब पैसे का दिक्कत नहीं होता था, कोई नहीं पा रहे। पीछे से डाल दीजिए, पीछे से हम खोल दिया, पीछे का शीशा खोल दिया। सो गाइस फाइनली जा रहा हूँ यहाँ से। पापा बाय बाय, टाटा। सो निकल रहा हूँ यहाँ से। पहुंच गए हम लोग सिमारी, और ये अपना संतोष का घर, और ये है सिमारी। तो काफ़ी बढ़िया लगा, अकेले के चला के आया, धीरे धीरे आया, बहुत बढ़िया लगा। तो फिलहाल अभी जेम्स को फ़ोन करते हैं, इसके बाद मिलते हैं। यहाँ देखिए अभी तक सो के नहीं उठा है हमारा एक्टर साहब। तुम्हारा ब्लॉग सुबह से पिताजी देख रहे हैं, मैं चुका, इतना सुंदर जगह है स्विट्जरलैंड। हाँ पिताजी सुबह से देख रहे हैं, बोलते मैं चुका इतना सुंदर है, बहुत ही सुंदर है, बहुत ही। और ब्लॉग है वहाँ का? अभी तो वो फिल्म शूट हो रहा है, उसको नहीं डालेगा अभी। भाई एक्टर लोग का बात ही कुछ अलग है, एक्टर साहब कहाँ। अभी नेक्स्ट शूट कहाँ है? अभी पासीगंज में, कल से शुरू होगा, कॉल कर रहे हैं। आज तो गाइस बहुत खतरनाक सीन हो गया हम लोग का, जो पासीघाट से जो लैंडस्लाइड एरिया है ना वहाँ पे, बस क्रॉस करने वाला था पहाड़, पूरा स्लाइड होकर गिर गया। तो बस लोग इस पार उस पार कर दिया ना, इस पार उस पार ऐसा करके पार कर रहे हैं, अभी ऐसा कर रहे हैं, पैदल जाने दे रहे, रिस्क नहीं ले रहे। तो उस ऊपर से पैदल जा रहा है, फिर उधर से बस खड़ा होगा, फिर उधर से आदमी लोग चला जाएगा। वो ठीक है, बस क्रॉस करने के समय रिस्क होता है। तो अभी संतोष जी के लिए वेट कर ले, उसके बाद मिलते हैं आप लोग से। एट लास्ट हमारा घर का मालिक आ गया, देखिए कितना प्यारा, कितना हैंडसम है। अरे कहाँ भाग रहे, रुको। और यहाँ मैं बाऊ राम रुछो, इधर देखो आमा खेल रहा है इसके साथ, जूनू 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 जूनू। क्या हो गया फिर तुमको? जूनू
सो बॉयज फाइनली आ गया है हमारा खाना, दिन का लंच। यहाँ पे चिकन और यहाँ पे दाल चावल, और ये बच्चे दोनों भी यहीं पे खा रहे हैं। देखिए पापा बुलाओ, पीछे बेचारा इसको कोई नहीं दे रहा है, देखो ऐसे बैठा हुआ है। जूनू जूनू हमको भी भगोरी का अचार चाहिए। क्यों क्यों कुछ नहीं होगा, हाथ से निकलेगा तो कैसे निकलेगा। थैंक यू, बहुत तेज हो रहे हो। चलो खा लेते गाइस, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, खाने के समय बात नहीं करना। मैं नीचे नहीं बैठ पाता ना, कमर में दर्द है, तो यहाँ पे खा रहा हूँ। नहीं 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 चाहिए हमको, बहुत टेस्टी बनाया। अपना लंच वंच हो गया, अभी हम लोग निकल रहे रोइंग की ओर। हालांकि मैं रोइंग की ओर पूरा नहीं जाऊंगा, वहां से राजा जी लेने आएंगे, क्योंकि मेन टाउन मुझे ड्राइव करने के लिए डर लगता है, और इनको किसी को भी चलाना नहीं आता, हम कम से कम चला तो लेता है। बाकी ये लोग डरे हुए हैं, काफी सदमे में है। ये पीछे की बैठा पता है, बोला है अगर कुछ हुआ तो दरवाजे से कूद जाएगा। कैसा चूतिया, कैसा दोस्त है। तो गाइस चलो निकलते हैं अभी। A few inches later, guys, हम लोग मैं एक्चुअली रोइंग यहाँ तक लेके आया हूँ, यहाँ से राजा जी आ गए। अभी इतना हिम्मत नहीं होता मुझे, इनका तो प्रो है चलाने का, और इनका बाइक को संतोष एंड जेम्स लेके आएंगे पीछे से। थैंक यू सो मच राजा जी आने के लिए। हम लोग आ गए हैं भूमि बेकरी में, और यहाँ चेक करो 1K का केक, काफी सुंदर केक बनाया। फाइनली हम पहुँच गए हैं देवपानी ब्रिज के नीचे, और यहाँ का एनवायरनमेंट चेक कर सकते हो, तो यहाँ में सब लोग है अपना, जितेन भाई, सूरज, राजा जी, यो, और यहाँ ये देखो हमारा आज के डीजे, डीजे साहब। तो अभी हम लोग को पानी पार करते हुए जाना पड़ेगा, क्योंकि नहीं कर पाएगा। गाइस चेक करो यहाँ का व्यू, बहुत बढ़िया व्यू है, क्या लहर है भाई साहब, क्या लहर है गाइस, देखो। और यहाँ केक को अनबॉक्सिंग किया जा रहा है। मैनी मैनी कॉन्ग्रेचुलेशन, एक बार हाथ मिलाया जाए। तो यहाँ चल रहा है अभी फोटो सेशन, या जितेन भाई, और अपना सूरज, शाहरुख खान, या अपना सेलिब्रिटी। सो फाइनली गाइस अभी केक कटिंग होने वाला है। थैंक्स टू हायर पावर, ही एट लास्ट आ गए, यू नो, यूट्यूबर कम्युनिटी का साथ हो गया, लास्ट फाइनली आई रीच 1K, एंड दैट्स अ बिग ह्यूमंगस विन फॉर मी। आगे और भी जाएगा, आपको इंस्पायर करता है, आपको स्पेशली जेम्स पंजन यू, तो मतलब आगे का जर्नी और है, बहुत लंबा है, मेरा आइडल सामने में बैठा हुआ है। आई वॉन्ट कि मेरा यूट्यूब कम्युनिटी भी आपको सपोर्ट करे, और आगे हम एक दूसरे को सपोर्ट करके आगे बढ़े, वही हम चाहते हैं। तो अभी कट होने वाला है केक, और फटने वाला है पॉपर। के सेलिब्रेशन के लिए मेनी मेनी कॉन्ग्रेचुलेशन, बाकी हम कहेंगे। तो
गाइस फाइनली केक कट हो गया और आप सभी को पता होगा जितना भी लोग यूट्यूब करते हैं उसके लिए जितना भी यूट्यूबर्स है ये 1K का जो जर्नी होता है ना ये सबके लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है राइट। तो ये जो 1K मेरा भी जब 1K हुआ था ना कितना जो स्ट्रगल हुआ था यहाँ तक पहुँचने के लिए ना जो बहुत ज्यादा खुशी हो रहा है और ऐसा एनवायरमेंट में आ जाके हम लोग का सेलिब्रेशन हुआ है फाइनली। एंड मैं दुआ करता हूँ कि और आगे बढ़े 100K हो। अरे ऑलवेज 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 हमेशा रहेंगे आपके साथ। यस माई प्रॉमिस। वादा तो करना नहीं चाहिए तो भी मतलब 100% जब तक है जान तब तक रहेंगे। और हमारा क्या कर रहा है पीछे में ओ भाई कैसे हो? केक में फोकस है ये केक साफ करने वाला ये। फाइनली वी आर लीविंग दिस प्लेस एंड बहुत ज्यादा एंजॉय किया राजेश जी थैंक यू सो मच एंड बहुत जल्दी मेरा बाइक पे में भी मिलते हैं सब लोग। यस और नो? तो काफी ज्यादा एंजॉय किया। अभी सीधा गाड़ी की ओर चलते हैं बाजार में जाकर शॉपिंग भी करना है हमें घर के लिए क्योंकि आज मेरे घर में जाने वाला है संतोष जी एंड जेम्स जी। तो रात को घर पे पार्टी होगा काफी दिनों के बाद क्योंकि मेरे एक्सीडेंट के बाद से घर पे भी मीटअप नहीं हुआ कहीं भी आना जाना भी नहीं हुआ। तो सोच रहे हैं कि अभी स्कूल तो एकदम फुल प्लेस शुरू हो जाएगा तो और मौका नहीं मिलेगा जैसे डॉक्टरों से मिलने के लिए। तो जब मेरे यहाँ पे आए हैं इन लोग तो आज लेके चलते हैं मेका से हम कार ड्राइव करके चला जाएगा तो इन लोगों को लेके जाएगा फिर। तो मिलते हैं गाइस बाजार जाके। सो गाइस ये है मार्केट सामान हमने खरीद लिया अभी गाड़ी में ले लिया अभी हम लोग निकल रहे सब लोग डिस्पर्स हो रहे हैं यहाँ से। राजेश जी हम लोग को नीचे तक छोड़ देंगे उसके बाद वहाँ से हम लोग सिमारी निकल जाएंगे और सिमारी से वापस इन लोग का सामान वामान लेके डम्बू की ओर आराम से। हाँ गाइस आते आते रात का बहुत देर हो गया अभी अबाउट 8-9 बज रहे हैं एंड जेम्स एंड संतोष बहुत थक चुका था तो हम लोग रेस्ट कर रहे हैं अभी तो थोड़ा बाद में हम लोग डिनर कर लेंगे। डिनर करके फटाफट से सो जाएंगे क्योंकि कल हमको अभी 3 सेकंड निकलना है इसको भी पासीघाट निकलना है। तो आई होप आज का ये सेलिब्रेशन वाला ब्लॉग आपको अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं फिर से नए दिन में नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए अपने मन की करें अपने दिल की सुने जिससे बात करता हूँ साइनिंग आउट। जय हिंद जय भारत एंड फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम एंड फेसबुक पेज एक्सप्लोर विद प्रीतम। गुड नाइट टेक केयर।